निमर की हत्या के आरोप में सिकंदर को लवली को गिरफ्तार कर लिया गया। सिकंदर कुल्फी और अमायरा के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। जब तक जिमी गजदार सिकंदर के घर नहीं आए तब तक सब कुछ ठीक रहा। इविल मैन जिमी ने सिकंदर के घर, संपत्ति, कार और सब कुछ सिकंदर को बेघर कर दिया और आर्थिक रूप से टूट गया। सिकंदर पूरी तरह से नष्ट हो गया है कि उसे कुल्फी और अमायरा से अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। सिकंदर महेंद्र और गुंजन को कुल्फी और अमायरा की जिम्मेदारी सौंपेगा। जहां सिकंदर से कुल्फी और अमायरा का दिल टूट जाएगा वहीं सिकंदर सब कुछ निपटाकर वापस लौटने का वादा करेगा। हालांकि सिकंदर अपने वादे को पूरा करने में विफल हो जाएगा और इस तरह कुल्फी और अमायरा को अपना संगीत करियर अकेले सिकंदर के बिना शुरू करना होगा। देखते हैं कि सिकंदर, कुल्फी और अमायरा का जीवन इस आंसू जुदाई के बाद पूरी तरह से कैसे बदल जाएगा। कुल्फी कुमार बाजेवाला के सेट से आने वाली नवीनतम चर्चा यह है कि अभिनेत्री तुनिशा शर्मा इस शो का हिस्सा बनने जा रही है। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा को युवा कुल्फी का किरदार निभाने के लिए तैयार किया गया है। तुनिशा शर्मा को आखिरी बार कलर्स टीवी सीरियल इंटरनेट वाला लव में देखा गया था। वर्तमान कहानी इस बात की गवाह है कि लवली को निमृत को मारने के लिए कैसे गिरफ्तार किया जाता है। इस बीच जिमी गजदार ने सिकंदर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वित्तीय संकट का सामना करने के बाद सिकंदर ने कुल्फी और अमायरा से अपने रास्ते काट दिए जबकि वह अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अपने भाई महेंद्र को सौंपता है। केकेबी में आने वाली लंबी छलांग के साथ सिकंदर कुल्फी और अमायरा से अपने तरीके को एक वादा के साथ अलग कर देगा कि वह जल्द ही वापस लौटेगा। हालांकि सिकंदर वापसी करने में विफल रहेगा। कुल्फी और अमायरा मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि केकेबी पोस्ट क्लिप में क्या नया ट्विस्ट और टर्न आएगा। जिमी गजदार ने सिकंदर की संपत्ति और सभी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है जो अब सिकंदर को बेघर कर दिया गया है। सिकंदर आर्थिक रूप से टूट गया है कि वे कुल्फी और अमायरा को महेंद्र और गुंजन को सौंप देता है। हालांकि कुल्फी और अमायरा सिकंदर को अकेले पीड़ित नहीं होने देते। इस तरह वे सिकंदर को अपने साथ रहने के लिए मना लेते हैं। कहानी में प्रमुख मोड़ों के बाद कुल्फी, अमायरा और सिकंदर को एक निम्न वर्गीय समाज में एक खोली मिलेगी। दुर्भाग्य से कमरा नंबर 11 पूरी खोली में सबसे खराब कमरा है और बुरी तरह से सिकंदर को एक ही कमरा मिलता है। कमरा न मिलने पर पड़ोसी ने सिकंदर पर दया की। 11 की अमायरा डर से चिल्लाती है जैसे ही वे 11 नंबर कक्ष देखते हैं कि सिकंदर कुल्फी और अमायरा के सामने कौन सी नई चुनौतियां आएंगी।